Hello everyone, welcome to all of you in my lecture Introduction to IC Engine. तो सबसे पहले देखते हैं कि इंजन होता क्या है. An engine is a device which can convert one form of energy into another form. For example, जैसे कि ये एक ancient time का war catapult है. इस device में क्या हो रहा है कि एक arm है जिससे हम कोई हैवी वेट को बहुत दूर डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं. तो ये डिवाइस क्या करता है, ये इलास्टिक एनर्जी को, स्प्रिंग, इसमें एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग को जो एनर्जी को स्टोर करता है, दैट इज द इलास्टिक एनर्जी. तो इलास्टिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी. तो ये एक डिवाइस है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक इंजन है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंजन, ये क्या कर रहा है, इलास्टिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. और एक इंजन क्या होता है कि जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. तो नेक्स्ट है हीट इंजन. हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी. जैसा कि एग्जाम्पल में दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंबस्शन हो रहा है, किसी फ्यूल का कंबस्शन हो रहा है, और उस कंबस्शन से जो हीट रिलीज हो रही है, उस हीट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर से स्टीम कन्वर्ट करने में. और फिर उस स्टीम को एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में एंटर किया जाता है, जहां पे वो अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहां से प्रोड्यूस होता है. और उसके बाद में एक प्रॉपर लिंकेज के थ्रू हम उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट कर लेते हैं रोटरी मोशन. तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें क्या मिला, जो केमिकल एनर्जी है फ्यूल की, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मैकेनिकल एनर्जी. तो हीट इंजन क्या होता है, जो कि केमिकल एनर्जी, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी. तो इंजन और हीट इंजन में क्या डिफरेंस हुआ, इंजन किसी भी तरह की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो वो एक इंजन हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं वॉर कैटापोल्ट है. और हीट इंजन जो सिर्फ थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल. तो जैसा कि एग्जांपल में भी दिख रहा है कि दिस इज नॉट ए हीट इंजन, दिस इज ओनली ए इंजन जो कि इलास्टिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. यहाँ पे कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं है, कहीं भी कम्बशन का, फ्यूल का कम्बशन नहीं है. तो ये सिर्फ एक इंजन है, दिस इज नॉट एन हीट इंजन. और हीट इंजन क्या है, जो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. तो दैट इज द हीट इंजन एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंजन एंड द हीट इंजन. उसके बाद नेक्स्ट है हीट इंजन क्लासिफिकेशन. तो हीट इंजन को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डिवाइड किया गया है. नंबर वन इज इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड नंबर टू इज एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन. ये क्या होते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन और आईसी इंजन, हम उन इंजन को बोलते हैं जिसमें कंबस्शन इंजन सिलेंडर के अंदर ही होता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी. एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन या इसी इंजन क्या होते हैं, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में फ्यूल का कंबस्शन किसी आउटर प्लेस पे होता है और किसी हीट एक्सचेंजर की हेल्प से उस हीट एनर्जी को हम इंजन तक लेके आते हैं और उसके बाद उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल का कंबस्शन इंजन के अंदर ही होता है और उस थर्मल एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में इंजन के द्वारा कन्वर्ट कर लिया जाता है. लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में फ्यूल का कंबस्शन कहीं बाहर में होता है और हीट एक्सचेंजर के थ्रू पहले हम उस कंबस्शन से जो हीट रिलीज हुई है उसको इंजन के अंदर लेके आते हैं और उसके बाद इंजन उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल. तो ये है एक बेसिक डिफरेंस इंटरनल कंबस्शन इंजन्स और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन्स के बीच में. उसके बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन को भी अगेन हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी. उसी तरह से एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को भी हम दो तरह से फिर से क्लासिफाइड करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी. उसके नीचे उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर आते हैं SI इंजन्स और CI इंजन्स. SI इंजन्स जिनको हम पेट्रोल इंजन्स भी बोलते हैं, जो कि बाइक्स और कार्स वगैरह में यूज होते हैं, और CI इंजन्स जिनको हम डीजल इंजन्स भी बोलते हैं, जो लोकोमोटिव्स और ट्रक्स वगैरह में यूज होते हैं. तो ये है रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन्स के एग्जांपल्स. उसके बाद है
रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन, रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर आता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन अगर ओपन साइकिल में यूज हो रहा है तो दैट इज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन, रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन। उसके बाद में है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के अंदर रेसिप्रोकेटिंग में स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जैसा कि अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा वो क्या था, एक स्टीम इंजन था जो कि स्टीम की हेल्प से थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था मैकेनिकल एनर्जी में। तो स्टीम इंजन आज की डेट में यूज नहीं होते हैं। उसके बाद है रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन। रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन के एग्जाम्पल है क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन। तो अगर गैस टर्बाइन क्लोज साइकिल में यूज हो रहा है तो वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, और अगर गैस टर्बाइन ओपन साइकिल में यूज हो रहा है तो वो एक इंटरनल कंबस्शन इंजन बन जाता है। तो ओपन साइकिल गैस टर्बाइन और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन में ऐसा क्या डिफरेंस है जो एक इंटरनल कंबस्शन इंजन की कैटेगरी में आता है और दूसरा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की कैटेगरी में आता है? उसके लिए हमें इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को थोड़ा सा डीप में समझना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इन दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूं कि इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या डिफरेंस होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की वो क्या है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल का कंबस्शन है वो इनसाइड द इंजन, इंजन के अंदर ही होता है, और उस एनर्जी को जो रिलीज हुई है फ्यूल के कंबस्शन से कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या होता है कि फ्यूल का कंबस्शन आउटसाइड द इंजन होता है और उससे जो हीट रिलीज होती है वो ट्रांसफर की जाती है इंजन को किसी हीट एक्सचेंजर के थ्रू। तो ओपन साइकिल गैस टर्बाइन और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन के थ्रू हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से, जो ये पॉइंट अभी हमने देखा है कि इसको किस तरह से ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में किस तरह से होता है और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन में किस तरह से होता है, और क्यों ओपन साइकिल गैस टर्बाइन इंटरनल कंबस्शन इंजन है और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में क्या होता है, यहां से फ्रेश एयर एक कंप्रेसर के अंदर एंटर करती है। ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में तीन कंपोनेंट हैं, कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर और टर्बाइन। इन तीनों कंपोनेंट को मिला के हम इसको बोलते हैं ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। तो फ्रेश एयर कंप्रेसर के अंदर यहां से एंटर करती है, उसके बाद वो जो कंप्रेस्ड एयर है वो कंबस्शन चैम्बर में एंटर करती है और कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल भी इंजेक्ट होता है। तो फ्यूल भी आ गया और कंप्रेस्ड एयर भी आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल के कंबस्शन और एयर के मिक्सचर से वो जो फ्यूल है उसका कंबस्शन होता है और उसके बाद थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। देन वो जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं वो टर्बाइन पे आते हैं और टर्बाइन को रोटेट कराते हैं। तो टर्बाइन क्या करता है, उस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टर्बाइन से हमें कुछ वर्क आउटपुट मिलती है और वर्क आउटपुट मिलने के बाद जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स या एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकल जाते हैं और एटमोसफेयर में वापस चले जाते हैं, वो साइकिल में रिपीट नहीं होते हैं। तो जो साइकिल है वो ओपन है, हर बार फ्रेश एयर से साइकिल स्टार्ट होती है और जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं वो हर बार एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं ओपन साइकिल गैस टर्बाइन, क्योंकि जो साइकिल है वो ओपन है। ठीक है, तो इसमें जो इंजन है दैट इज कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर एंड टर्बाइन। तो इस इंजन के अंदर ही कंबस्शन चैम्बर भी है और उसी के अंदर फ्यूल का कंबस्शन हो रहा है। तो इसलिए ओपन साइकिल गैस टर्बाइन होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। उसके बाद हम देखते हैं क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन। क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन में क्या होता है कि जो साइकिल है वो क्लोज्ड होती है, जैसा कि इसमें हमने देखा ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में कि कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर और टर्बाइन, यहाँ पे तीन कंपोनेंट थे लेकिन यहाँ पे चार कंपोनेंट है, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, टर्बाइन और इंटरकूलर। एक इंटरकूलर जो है ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एयर है वो कंप्रेसर में कंप्रेस होती है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने के बाद वो एक हीट एक्सचेंजर में जाती है। जो ये हीट एक्सचेंजर है दैट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में दो फ्लूइड एंटर करते हैं, फर्स्ट फ्लूइड इज द एयर जो कि साइकिल में यूज हो रही है एंड द सेकेंड फ्लूइड इज कंबस्शन प्रोडक्ट्स। तो दिस इज द इंजन
और ये जो कंबस्टन चैम्बर है ये आउटसाइड द इंजन कहीं पे प्लेस है, और कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल के कंबस्टन के बाद जो कंबस्टन प्रोडक्ट्स हैं वो कंबस्टन प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं इस हीट एक्सचेंजर में। याद रखना, इस हीट एक्सचेंजर में कंबस्टन प्रोडक्ट्स इस कंबस्टन चैम्बर से आ रहे हैं और एयर जो ये है वो यहाँ कंप्रेसर से आ रही है। दोनों नॉन कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है, तो दोनों मिक्स नहीं होते हैं। इस हीट एक्सचेंजर में सिर्फ क्या होता है कि जो कंबस्टन प्रोडक्ट्स हैं ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो अपनी हीट इस एयर को दे देती हैं। सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जो एयर है उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ हीट गेन करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर हमने कंप्रेसर में पहले ही इंक्रीज कर लिया था। उसके बाद तो एयर के पास अब थर्मल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, और उसके बाद वो जाती है टरबाइन में। टरबाइन में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन उसको कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने के बाद जो एयर है वो एटमोस्फेयर में नहीं जाती है, क्योंकि ये क्लोज्ड साइकिल है। तो जो एयर एक बार साइकिल में फिल कर दी जाती है वही एयर पूरी साइकिल में सर्कुलेट करती रहती है। तो ये एयर टरबाइन से निकलने के बाद कहाँ चली जाती है, एक इंटरकूलर में। इंटरकूलर क्या होता है, इंटरकूलर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे क्या होता है, उस एयर को कूल कर लिया जाता है। जो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ था क्योंकि टरबाइन में एक्सपेंशन होने से उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डाउन हो गए, लेकिन फिर भी टेम्परेचर उसका काफी हाई होता है टरबाइन से निकलने के बाद। तो जो टेम्परेचर उसका बचा हुआ है उसको इंटरकूल कर लिया जाता है इंटरकूलर में, और उसको कूल करने के बाद वापस से साइकिल पूरी की पूरी रिपीट हो जाती है। वही एयर फिर से वापस एंटर करती है कंप्रेसर के अंदर और पूरी की पूरी साइकिल फिर से रिपीट होती रहती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, क्योंकि एयर इस साइकिल में सर्कुलेट करती रहती है। टरबाइन के ऊपर यहाँ पे हॉट एयर जो है वो थर्मल एनर्जी लेके आती है हीट एक्सचेंजर से, और मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन उसको कन्वर्ट कर देता है, और वही एयर फिर साइकिल में सर्कुलेट होती रहती है। लेकिन ओपन साइकिल गैस टरबाइन में फ्रेश एयर कंप्रेसर से निकलती है, लेकिन कंबस्टन चैम्बर में वो कंबस्टन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और कंबस्टन प्रोडक्ट्स या एग्जॉस्ट गैसेस वो टरबाइन के ऊपर आते हैं अपनी थर्मल एनर्जी लेके, और टरबाइन उन थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ओपन साइकिल गैस टरबाइन में और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन में जो सकी ओपन साइकिल है इसमें जो कंबस्टन है फ्यूल का वो इंजन के अंदर ही हो रहा है, लेकिन क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन में फ्यूल का कंबस्टन इंजन से कहीं बाहर हो रहा है, और उस जो हीट कंबस्टन के बाद जो हीट रिलीज हुई है उस हीट को हम लेके आते हैं इंजन के अंदर, इन्हें हीट एक्सचेंजर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन को हम इंटरनल कंबस्टन इंजन बोलते हैं और क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन को एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन बोलते हैं। तो जैसा कि इस डेफिनेशन में हमने देखा डिफरेंस में कि इंटरनल कंबस्टन इंजन में जो कंबस्टन है वो इंजन के इनसाइड होता है, और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में जो कंबस्टन है फ्यूल का वो इंजन के आउटसाइड होता है। ये डेफिनेशन सही है बट इनकम्प्लीट है। अगर हम दोनों के में डिफरेंस देखें तो ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। एक पॉइंट और हमें इनके डिफरेंस में ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज होता क्या है कि जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा एक स्टीम टरबाइन, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि स्टीम टरबाइन का एग्जाम्पल को भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। स्टीम टरबाइन क्या है, रोटरी एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है। स्टीम टरबाइन इज जो कैटेगरी में आता है वो रोटरी एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम इसकी साइकिल देखें स्टीम टरबाइन की, तो उसमें चार कंपोनेंट होते हैं, पंप होता है, बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, और एक कंडेंसर होता है। तो पंप में प्रेशर राइज होता है, बॉयलर में टेम्परेचर राइज होता है, फ्यूल के कंबस्टन से टेम्परेचर राइज होता है, उसके बाद टरबाइन में थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, और उसके बाद में उस स्टीम को बाद में कंडेंस करके वाटर में वापस कंडेंसर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर से साइकिल रिपीट होती है। तो इस पूरी साइकिल में चार कंपोनेंट है, पंप, बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर। फ्यूल का कंबस्शन कहाँ होता है, बॉयलर में, एंड बॉयलर इज ए पार्ट ऑफ द साइकिल, यानी कि बॉयलर इज ए पार्ट ऑफ द इंजन। तो इसका मतलब अगर हम स्टीम टरबाइन को देखें तो फ्यूल का कंबस्शन साइकिल के अंदर ही हो रहा है या इंजन के अंदर ही हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये साइकिल है वो
इंटरनल कंबस्शन इंजन की कैटेगरी में आनी चाहिए थी, लेकिन जो ये स्टीम टर्बाइन साइकिल है वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की कैटेगरी में आती है। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए हम एक और डिफरेंस समझते हैं, वो क्या है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन इटसेल्फ आर द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। पहले समझते हैं कि वर्किंग फ्लूइड क्या होता है। वो फ्लूइड जो साइकिल में पार्ट लेता है और साइकिल में सर्कुलेट होता है, दैट फ्लूइड इज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल, वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। तो जैसे ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में वर्किंग फ्लूइड क्या था, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन, और क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन में वर्किंग फ्लूइड क्या था, एयर, क्योंकि एयर क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन में साइकिल में सर्कुलेट होती है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन नहीं होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन किसमें होते हैं, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में होते हैं। तो इस पॉइंट को दोबारा समझते हैं, आईसी इंजन प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन इटसेल्फ आर द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल, बट इन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन ट्रांसफर हीट एनर्जी टू अनदर फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। तो ये वाला जो पॉइंट हमने देखा, ये एक मेन डिफरेंस है जो स्टीम टर्बाइन साइकिल को एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की कैटेगरी में ले आता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, क्या है इसका मतलब। इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन है वो वर्किंग फ्लूइड होते हैं, लेकिन क्या इस साइकिल में प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन वर्किंग फ्लूइड है, नहीं। तो सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन ट्रांसफर हीट एनर्जी टू अनदर फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। तो बॉयलर में कंबस्शन हुआ, फ्यूल का कंबस्शन हुआ, और फ्यूल के कंबस्शन से जो हीट रिलीज हुई वो ट्रांसफर कर दी गई वाटर को, ताकि हम वाटर से स्टीम बना सकें या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। और वो जो स्टीम है दैट इज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द स्टीम साइकिल या स्टीम टर्बाइन साइकिल। तो इस साइकिल में, स्टीम टर्बाइन साइकिल में वर्किंग फ्लूइड क्या है, जो कि इसमें साइकिल में सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज द स्टीम। बॉयलर से स्टीम बनने के बाद टर्बाइन पे क्या आती है, स्टीम, और स्टीम की थर्मल एनर्जी से वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो वर्किंग फ्लूइड इज द स्टीम, लेकिन जो कंबस्शन बॉयलर में जो कंबस्शन हुआ, फ्यूल का कंबस्शन हुआ, उससे जो हीट रिलीज हुई वो हीट हमने ट्रांसफर कर दी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे फिट बैठता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन ट्रांसफर हीट एनर्जी टू द अनदर फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और दैट स्टीम इज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द साइकिल। तो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, एंड दैट्स व्हाई द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन इज इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन इज एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन एंड स्टीम टर्बाइन साइकिल इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो उसके बाद देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन है, जो कुछ भी अभी आपने देखा, इसमें सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन ही सिलेबस का पार्ट है, यानी कि SI इंजन्स एंड CI इंजन्स सिर्फ यही सिलेबस का पार्ट है, बाकी इस सब्जेक्ट में सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन्स के बारे में कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या वो नोट पॉइंट्स हैं, टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन इज मच लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन। तो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन का टेम्परेचर इंटरनल कंबस्शन इंजन में अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन में, उनका टेम्परेचर उससे काफी कम होता है। तो दैट इज द एडवांटेज, ये क्या है, एक एडवांटेज है रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन्स का। देन सेकेंड वन इज वेट टू पावर रेशियो इन आईसी इंजन्स इज वेरी लेस। अब देखो ये क्या है, वेट टू पावर रेशियो क्या होता है, कोई भी इंजन है या कोई भी डिवाइस है, उसकी पावर हम इजीली बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि पावर बढ़ाने के साथ साथ वेट भी बढ़ जाता है, तो इफिशियंसी पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इफिशियंसी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। और अगर इफिशियंसी इंक्रीज नहीं हो रही है तो फिर पावर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सपोज इंटरनल कंबस्शन इंजन का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं,
इंटरनल कंबस्शन इंजन में वेट टू पावर रेशियो अगर कम है तब उसका कुछ एडवांटेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर बढ़ने के साथ वेट नहीं बढ़ रहा है तब उसको पावर को बढ़ाने का कोई फायदा है, लेकिन अगर पावर बढ़ाने के साथ वेट भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उससे इफिशियंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आईसी इंजन के साथ ये एक एडवांटेज होता है कि उसका वेट कम होता है एज कंपेयर टू जितनी वो पावर प्रोड्यूस करता है, या फिर अगर हम इसको स्टीम पावर साइकिल से कंपेयर करें तो स्टीम पावर साइकिल में वेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें बॉयलर है, उसमें पंप है, कंडेंसर है, टरबाइन है, तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है जितनी जिस हिसाब से वो पावर प्रोड्यूस करता है। तो आईसी इंजन के साथ ये एक एडवांटेज होता है कि उसका वेट टू पावर रेशियो बहुत कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट्स इज हाई। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में कि उसमें वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ वैरायटी ऑफ फ्यूल्स कैन नॉट बी यूज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में पेट्रोल इंजन में सिर्फ पेट्रोल ही यूज कर सकते हैं और डीजल इंजन में सिर्फ डीजल ही यूज कर सकते हैं, तो वैरायटी ऑफ फ्यूल इसमें यूज नहीं किए जा सकते। जबकि हम अगर कंपेयर करें स्टीम पावर साइकिल से तो बॉयलर के अंदर किसी भी तरह के फ्यूल को हम बर्न कर सकते हैं, कोई गैस को बर्न कर सकते हैं, कोल को बर्न कर सकते हैं, इवन पेट्रोल डीजल को भी बर्न करके एनर्जी को रिलीज किया जा सकता है। लेकिन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में सिर्फ पेट्रोल इंजन में सिर्फ पेट्रोल यूज होगा और डीजल इंजन में सिर्फ डीजल यूज होगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन का कि वैरायटी ऑफ फ्यूल उसमें यूज नहीं किए जा सकते। एंड देन लास्ट में कुछ एप्लीकेशन हैं कि रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबस्शन इंजन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, बाइक्स में, कार्स में, बसेस में, ट्रक्स में, देन शिप्स में यूज होते हैं, मैरीन में यूज होते हैं, उसके बाद लोकोमोटिव्स में, ट्रेन में डीजल इंजन यूज होता है तो उसमें भी यूज होते हैं, एंड देन एयरक्राफ्ट में भी इंटरनल कंबस्शन इंजन का यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।